पाँच फुट आठ इंच का एक इंसान को क्यों ही वो एक्सेप्ट करेंगे जब इतने महान महान एक्टर्स वहाँ से निकले हैं कि हमारा लड़का अगर कुछ ना कर पाया तो हमको कुछ करके दे दें दुकान खोल के दे दें दे। तो मैं यही खोलता आपके इसमें कुछ है ना कि कहाँ गई लेला ले है बात कर सकता हूँ थोड़ी बहुत भोजपुरी <laughs> ऐसे कहा बबुआ कहाँ वहाँ गई लेला है ऐसा करके बात कर सकता हूँ लेकिन शौकीन हूँ मैं कर नहीं सकता मैं ऐसा कुछ तो कर दी थी इतनी बढ़िया वो तो मैं भाई तैयारी ना

मिर्जापुर सीजन थ्री अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली जानते होंगे हाय पल्लव हाउ आर यू हाय दिव्या आई एम वेरी गुड मुझे बहुत ही पहले तो एबीपी का मैं बहुत मुतासिर हो गया यहाँ आके इतने बड़े ऑफिस में और आपने आ, मुझे इस काबिल समझा कि मैं सोफे पे आपके साथ बैठ सकूँ वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल ओके yeah. मुतासर का मतलब

Uh, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में मुझे इस समझा कि मुझे टेस्ट किया जाए uh, then I went, मैंने ऑडिशन दिया उसके कुछ समय बाद उनका आया कि ऐसा लगता है कि तुम कर सकते हो ये उनको बनाने वालों को एक्सेल एंटरटेनमेंट को तो आओ बात करते हैं फिर बातचीत हुई उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ाई देन आई वाज ऑन द सेट वन फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी उससे पहले आइडिया था कि ये वाला

कह नहीं कहा नहीं जा सकता टाइप का रिएक्शन था बड़ा कंफ्यूज था कि अरे मैं इस काबिल हूँ क्या इतने बड़े तो मैं बहुत खुश था आ, डाउट में था आ, डाउट में तो खैर मैं नहीं रहता हूँ तो मैं तो मैं हम हम ह्यूमिलिटी की एक्टिंग कर रहा हूँ नहीं मगर मैं बहुत खुश था आ, और मैं था कि इस इस ये बहुत एक्साइटेड एक्साइटिंग होगा इस बड़े फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना आ, ऐसा लगा फर्स्ट टाइम जब उनका फ़ोन आया तो ओके फैमिली ने देखा सीजन थ्री दिखाई ऑप्शन था उनका दिख साथ में बैठ के देखा नहीं नहीं मुझे यार ये तो बहुत कूल है यार अगर साथ में बैठ के देखा इतनी, इतनी तो इतनी फॉरवर्ड नहीं है मेरी फैमिली तो फिर उन्होंने अलग से देखा मतलब क्या कुछ रिसोर्स पापा ने भी अलग-अलग देखा है ओके अब मेरे घर में भी ऐसे होता है मेरे घर में भी यही सीन है कि मैं अलग देखूंगी

अब वो दोस्ती हो गई है लेकिन फिर भी एक वो मर्यादा रहती है तो अच्छा था और गुड बहुत खुशी खुश हुए हर किसी का फ़ोन आ रहा है जैसे घर दिन में एक या दो बार बात होती है तो रिलीज़ के बाद बीस बार हो रही है कि हर कोई फ़ोन करे तो मुझे कॉल आ रहा है तो और खुशी खुश हो रही हैं आई कैन ओनली गेट हम्बल्ड बाइट तो मैं मैं सारे जितने हो सकते हैं कई बार होता है ना कि आप यहाँ भी बिज़ी रहते हैं काम में तो हर कॉल नहीं उठा पाते लेकिन मैं जितनी कोशिश किया माँ बाप के कॉल उठा के अच्छा ऐसे बोल रहे हैं अच्छा ठीक है ये वो उनके कॉल उठाया उनसे बात की माँ बाप के टॉपिक में ज़्यादा कैमरे पर बात नहीं करता बिकॉज आई गेट वेरी इमोशनल टॉकिंग मैं उनसे मिला नहीं हूँ अभी तक सक्सेस के बाद मिर्जापुर थ्री के, के बाद सब हाउ कैन यू कॉल सक्सेस तो देखते हैं जाके उनसे मिलता हूँ तब उनको गले लगूंगा पैर छूँगा तो पता चलेगा ओके ग्रेट एनीवे आपने जितना सटली अपने कैरेक्टर में अब्यूज किया है जो लोगों को बहुत पसंद आया एक्चुअली लोगों को यूजुअली क्या होता है बहुत सारी एक ऑडियंस होती है जिसे ये वाला सेगमेंट ना पसंद नहीं आता गाली गलौज वाला क्योंकि उन्हें बहुत फैमिली टाइप देखने होते हैं जिनमें कुछ नहीं लेकिन मुझे लगा कि जो आपके कैरेक्टर में लिखी गई चीजें वो लोगों को एक्चुअल में बहुत पसंद आई बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है वैसे आप रियल लाइफ में अब्यूज करती हो इतना बिल्कुल नहीं मतलब बहुत ही कम जैसे इस, हमने एक शब्द सीखा है सहायक क्रिया

Okay. <laughs> ख्याल मुझे ना मेरे बॉस ने बोला था कि आप एक शायरी तो उनसे बुलवाना चांदनी रात थी हाँ। पेंसिल दे दो मुझे एक <laughs> चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा इसे आगे आप सुनोगे <laughs> <laughs> चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है लाला को आपने क्यों मारा बोला तो ना एपिसोड एट में लेकिन उनको मुझे लग रहा है कहीं क्लियर नहीं हुआ या कुछ तो है क्योंकि इतने आर्टिकल्स है ना जो सिर्फ यही उनका हेडलाइन है की लालाज साउंड ठीक से नहीं आया क्या एपिसोड जिंदा आप खुद बता दो कि क्यों मारा एपिसोड 8 में मैंने बड़े बखूबी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की एपिसोड एपिसोड mm -hmm. मेरा फेवरेट सीन है वो कीट वाला तो मतलब मैं खुद के बारे में ऐसा कुछ कहता नहीं हूँ लेकिनोड वाला, एट वाला सीन जिसमें मैं एक जेल में हूँ और सिर्फ आंखें दिख रही हैं विद रमाकांत पंडित मिसर मिस्टर राजेश तेलंग उसमें कहा है कि जो भी कहा है मैं मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा लोगों को जिन्होंने भी नहीं देखा है वैसे तो पूरे देश दुनिया में सबने देख लिया है

फेवरेट uh, कैरेक्टर आपका कौन सा है मिर्ज़ापुर का और क्यों आई um, uh, कोई एक uh, या दो अपना कैरेक्टर uh, छोड़ के आई लव्ड कुलभूषण खरबंदा सर मतलब मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा अगर मैं द कैरेक्टर आई वुड लव टू प्ले ऑब्वियसली ऑब्वियसली बीना नो 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 बट ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी लवली मतलब इट बी रॉन्ग टू क्या होता है ना कि ये ये इतने बड़े फ्रेंचाइज एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइम वीडियो इंडिया का इतना बड़ा इतना बड़ा वेल ऑयल्ड वर्किंग मशीनरी मशीनरी कहना ठीक है ऑर्गेनिज्म है ये एक भी चीज आप निकाल दूंगा तो इट विल फॉल डाउन लेकिन मुझे अगर कुछ प्ले करना होगा तो डेफिनेटली गुड्डू का किरदार बहुत अच्छा है हालांकि मैं इतना लहीम शहीम शरीर अभी नहीं है लेकिन मैं बना लूंगा उसके लिए Uh, लेकिन अगर वैसे किया कि कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है आई आई लव माय द टीम आई वर्क विद लाइक माय फैमिली तो एक भी अगर मेरा रिलेटिव चला जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा तो फिर एवरीबॉडी इज लवली ओके अच्छा आपके कैरेक्टर का कुछ वो नहीं था यूपी uh, वाला एक्सेंट आई गेस अडॉप्ट उतना नहीं था जितना बाकी कैरेक्टर्स ने किया है uh, आप देखेंगे तो एपिसोड 8 में मैंने वो रखा है बहुत ऑन द फेस नहीं रखा हाँ. बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि uh, आप रहीम रहीम वो भी है लिटरेचर की दुनिया में है वो वक्ता है कहता है कवि है तो अगर वो एक ही जगह का डायलेक्ट रखेगा तो वो एक ही जगह परफॉर्म कर पाएगा और एक ही जगह परफॉर्म हाँ, 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 वो तो, रिक्वयरमेंट हाँ, नहीं थी हाँ वो पैन इंडिया नहीं हो पाएगा तो उसको तो चाहेगा तो बहुत गरीब परिवार से आता है तो अगर उसको तमिलनाडु में कभी सम्मेलन करना है या फिर जबलपुर में करना है तो अगर वो एक्सेंट रखेगा तो रिलेटिबिलिटी नहीं आएगी तो एक वो कॉन्शियस चॉइस थी कि नहीं बहुत ही हैवीली लीन ऑन नहीं करना माँ से बात करेगा अपनी रहीम तो शायद आ, वो आ जाएगा अब हम आप भी तो होते हैं कि अपने माँ बाप के साथ एक अलग लिल्ट हाँ। आ जाता है और जब आप इधर हाँ, ये मुझसे उन्होंने भी कहा था मैंने दो दिन पहले उनका इंटरव्यू किया था अली फजल बिना देवर देवर ऑन ऑनलाइन कॉल एंड श्वेता

Uh, I'll plug it in यार Pallav Singh uh, uh, P A L L A V S I N D G H on Instagram <laughs> राजीश तेलंग सर सी मुझे लग रहा है काफी ज़्यादा शो के दौरान या उससे पहले भी आप उनसे कनेक्टेड थे ये वेरी चार्मिंग बैंड मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने पढ़ाया हुँ। है बहुत ही वो टीचर हाँ हम पूरे बैच को पढ़ाया था uh, बहुत ही हसीन आदमी है राइटर हैं हैं

माई में आप थे मतलब आपको projects. पता है सब <laughs> नहीं पढ़ के आती हूँ भाई ऐसे थोड़ी इंटरव्यू करने बैठती हूँ लेकिन आप इंजीनियर भी हो मैंने पढ़ा अलाउड नहीं है क्या मतलब इंजीनियर से क्या सीन होता है ये क्यों साइंस लेते हैं फिर स्कूल में जब मेरे वापस वहीं आना होता है तो इस पे पेटिशन करो जेल कर दो मैं, मुझे, तो मुझे मैं तो बोल दूंगी आई सेंट मी टू टू दी हार्ड आफ्टर दिस मुझसे बहुत लोगों ने बोला था मैंने ह्यूमैनिटीज लिया था कि ह्यूमैनिटीज लिया मैंने कहा साइंस वाले भी वहीं आ जाते हैं फिर ह्यूमैनिटीज वाले काम में तो ह्यूमैनिटीज ही ले लिया क्या सीन था इंजीनियरिंग कर ली थी फिर कहां ऐसे इधर आना कैसे हो गया एक्टिंग सॉरी मैं इधर आ गया है ना <laughs> कैसे <क्येकसे laughs> <मुझे>, हो गया <laughs> मुझे माफ कर सॉरी नहीं थैंक यू आपको आप आ गए तो मैं इतना अच्छा ये कैरेक्टर देखने को मिल गया मैं हमेशा कहता हूं कि कला की दुनिया कला मेरे पास आ गई मतलब उन्होंने बाहें खोल दी और मैं काइंड इनफ था थी कला कि मुझे उसने शामिल कर लिया मैं इंजीनियर था और मैं ठीक ठाक इंजीनियर था मतलब मेरे पॉइंटर्स भी अच्छे थे हारना पसंद नहीं है आई डोंट बिलीव फेलियर इज अ गुड टीचर आई थिंक सक्सेस इज अ वेरी गुड टीचर तो ये मैं ठीक ठाक इंजीनियर था मैं ठीक ठाक एक छोटी बहुत नौकरी कर रहा था अमेजोन के साथ और उसके बाद क्या है कि कुछ घटा जिंदगी में आ, मुझे लगा कि मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा आ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मास्क लगा रहे होते हैं ना जैसे यू आर अभी एंकर का मास्क है मैं अभी एक 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 एक्टर एक का मास्क प्ले कर रहा हूँ तो वो इंजीनियर का मास्क प्ले करने में मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने मैंने उसको उतार के रख दिया और मैंने कूच किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंट्रेंस की तरफ जो कि बड़ा भयावह था बड़ा इंस्टीट्यूशन मैं मेरे जैसा पाँच फुट आठ इंच का एक इंसान को क्यों ही वो एक्सेप्ट करेंगे जब इतने महान महान एक्टर्स वहाँ से निकले हैं तो मैं तो चला गया चलो नौकरी कर रहे हैं आ, तीन चार दिन की पाँच दिन की वर्कशॉप है ऑनेस्टली गया था आ, मैं गया था कि चलो यार अब ये करके देखते हैं और वो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने बोला और उस टाइम मैं बीस एक साल का था फूलिश था आ, मैं नौकरी छोड़ के चला गया और मतलब होती गई चीज़ें मतलब वो डोमिनो इफेक्ट ना एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती गई तो राइट प्लेस राइट टाइम लकी येट अगेन लकी येट अगेन एंड देन होता गया एन से बाहर उसके बाद आने के बाद okay, अच्छा घर वालों का कुछ वो नहीं था कि अच्छा खासा चल रहा है इंजीनियरिंग में फिर वहाँ क्यों जाना है कुछ नहीं बहुत कुछ था क्या बहुत कुछ क्या थोड़ा सा बताओ क्या था इनसिक्योरिटी वो आपको भूखा मरता नहीं देखना चाहते हाँ, हाँ। उन, उनके प्रयत्न बढ़ गए कि हम और ज्यादा सेव कर लें कि हमारा लड़का अगर कुछ ना कर पाया तो हम उनको कुछ करके दे दें दुकान खोल के दे दें तो मैं यही खोलता आपके उसमें कुछ या। है ना बहुत बहुत चलती है, या हाँ, बहुत चलती है हाँ, चलती है या लेट्स टेक ले अ नोट कि अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे कैफेटेरिया खोलेंगे तो उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था दादा लेकिन जब मुझे धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने वो पैसे खर्च करने शुरू कर दिए नहीं, नहीं, नहीं। तो उनको उन, उनका हमेशा से वो डर तो था और जो कि होगा ही मिडिल क्लास फैमिली इज नो बैकिंग एट ऑल कोई आपके पीछे खड़ा नहीं है इंस्टीट्यूशन मशीनरी फाइनेंस लेके की जाओ जी लो अपनी जिंदगी ऐसा कोई मेरे मेरे तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा था ट्रेन से सिनेमा की ट्रेन से तो डर था उनको कि यार ये सिनेमा की ट्रेन के पीछे भागते भागते चोट ना लग जाए लेकिन नहीं मैं चढ़ गया।, गया तो मैं आज आपके आपके स्टेशन पे लवली yeah. <laughs> uh, खैर आपका होम टाउन कहाँ पर है गाजीपुर पूर्वांचल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अच्छा तो मतलब मिर्जापुर से रिलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत वहाँ रहा नहीं, actually, I, दिव्या, actually, मैं वहां नहीं। uh, वो मेरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हालांकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली अभी भी वही है मैं अभी भी कहां गई लेला बात कर सकता हूँ थोड़ी बहुत भोजपुरी में ऐसे थोड़ा सा करके दिखाना ऐसे कहो बाबूआ कहां गई लेला ऐसे करके बात कर ओ, सकता हूँ हाँ। लेकिन मर्दवा बहुत अच्छा लगता है मुझे काऊ मर्दवा इन मर्द को वो लोग ऐसे बोलते हैं।, हैं तो मेरा लालन पालन कोटा में हुआ ओह मैं वहीं बड़ा हुआ मेरी शिक्षा वहां पे हुई लेकिन भाई डेढ़ एक दो साल में कभी नाना मामा चाचा जी से मिलने चले गए तो उतना ही उससे तारुफ था मेरा आ, फिर यहाँ पे कोटा आ, तो हाँ उससे उतना ही तारुफ था फिर मैं अलग अलग जगह पढ़ने गया तो बस ये है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में पापा मम्मी रिलेटिव्स से वो सुनता था मैं वो भाषा और वो उनकी जिज्ञासाएं क्या हैं उनकी लाइकिंग्स क्या हैं डिसलाइकिंग्स क्या हैं किस तरह का खाना पसंद करते हैं किस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं

एसेंस कटा हुआ है दिल्ली से दिल्ली में पावर कॉरिडोर है ना मतलब आप जैसे ग्लैमरस लोग यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्टूडियोज में लेते हैं, वो, वो, <laughs> you know, दिव्या, हाँ. आपको अपना आई डी प्लग इन करना है <laughs> <So>, uh, <laughs> वहाँ पे आईलैंड तो आप वो आइलैंड में सिर्फ मशगूल रहते हैं अपनी कला hmm. को तराशने में hmm. और वो आप तीन साल में तीस साल जीते हैं hmm. और इतने तेजी से वहाँ चेंज होते हैं कि आपको लगता है कि आप दिल्ली के हैं तो ऐसा एन एस डी में समय बीता और इतने इतने कला के मैार तक पहुंचे हुए लोगों से आप मिलते हैं आपको लगता है कि यार ये क्या सच में है कि इन्हीं कॉरिडोर्स में और इन्हीं आ, रूम्स में उनका पसीना गिरा है आ, जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं क्या मेरा भी पसीना इसी फ्लोर पे गिरेगा और उसमें मिलेगा तो इट बेटर बी वर्थ है ना यू हैव टू वर्क दैट हार्ड कि जितना उन लोगों ने लोगों को इंस्पायर किया है बड़े बड़े लोगों ने किसी एक का नाम क्यों लेना बहुत है आप भी अगर उस फहरिस में कभी शामिल हुए तो आप आ, अपने आप को इतने काबिल बना लो और इतने लोगों को इंस्पायर कर लो और एक ऐसे इंसान बन जाओ ऐसे कलाकार बन जाओ कि जब एक सांस में नाम लिया जाए तो आ, फरेब ना लगे हम्म हाँ। हम्म तो, बहुत गहरी बातें करते हैं मतलब यार ये एक्टिंग हाँ। तो हाँ। थी मुझे लग रहा है वो रियली था नहीं नहीं ये मैं सीख के मैं भी मैं लिख के लाया मेरा लिखा हुआ पेपर का है

रितेश सिदवानी प्राइम वीडियो इंडिया ऐसे तो अमेजान के साथ मेरा बहुत अच्छा तारुफ रहा है देखिए आप अमेजोन में मैं काम करता था प्राइम वीडियो में आ रहा हूँ एक और प्राइम वीडियो की फिल्म में आऊँगा जिसके बारे में सही समय पर बातचीत होगी मैं सब छोड़ दूँ एक ही बार फिर आप बुलाओगे नहीं अगली बार मुझे <laughs> तो, आ, तो आ, इतने बड़े बड़े लोग क्रिएटर्स गुरमीत सिंह आनंद अयर डायरेक्टर्स वो क्यों मुझसे मिलते अगर या फिर मुझे लेते अगर इतने सारे एवेन्यूज़ नहीं खोले होते प्राइम वीडियो इंडिया ने हुँ. फिर तो कम फिल्में थी मतलब लिमिटेड फिल्में थी एक स्लेट था और उसमें एक एक तरह के चेहरे या फिर एक तरह के चेहरे भी नहीं कहूँगा लेकिन एक लकी लोग आते थे अब इतने सारे एवेन्यूज़ हैं कि लोगों लोगों के अटेंशन कंपार्टमेंटलाइज हो गया कि इसको भी दे सकते हैं 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 तो उसके बीच में आ, अगर कला पे मेहरबान होती है लक मेहरबान होती है तो आ, मेरी तरफ लोग ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने एवेन्यूज तो खोले हैं और जो वॉचिंग है वो बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है अगर एक परिवार के लोग हैं कि माँ या बाप या दादाजी डिसाइड करेंगे तो छह लोग एक ही चीज़ देखेंगे और एक ही तरीके से देखेंगे आ, लेकिन अगर अब मैं बैठा हूँ तो अगर पांच लोग एक ही कमरे में बैठ के एक सीरीज देख रहे हैं उनका व्यूइंग पैटर्न भी अलग हो सकता है कोई एक थर्टीन ट्वेंटी सिक्स सेकेंड को पीछे जाके वापस देखना चाह रहा है कोई आगे बढ़ गया है कोई पॉज करके पानी पीना चाह रहा है सो व्यूइंग पैटर्न

लेकिन आप रियल लाइफ में शायरी वगैरह के शौकीन हो शौकीन हूँ मैं कर नहीं सकता मैं ऐसा कुछ अभी तो कर दी थी इतनी बढ़िया वो तो मैं भाई तैयारी ना आपने पेपर फोल्ड कर रहे हैं मैं अपना पेपर <laughs> फोल्ड करके रखा था मैंने लेकिन <laughs> आ, मैं शायरी का शौकीन हूँ मैं इंग्लिश हिंदी मतलब पढ़ने का शौकीन हूँ देखो एक्टिंग के जब आप क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारा टाइम आपके पास काम नहीं रहता तो आप क्या करोगे आप इंस्पायर हो गए चीज़ों को लिटरेचर को पढ़ के जो ऑलरेडी लोग जिंदगी जी के गए हैं तो मैं पढ़ता हूँ तो शौकीन तो हूँ और आ, उनका मुरीद हूँ जो लोग इतना लिख पाते हैं इस तरह इस, से शब्दों को आ, तो शौकीन, क्या, आप सुनना चाहते हैं कुछ आपने दो चीजें सुनाई थी लेकिन आप सुना सकते हैं क्योंकि guess, के अगर कोई है, तो वो पल्लव सिंह जाते जाते नहीं शायरी वायरी तो होगी थोड़ी अब हम बात आप गाना भी गा देंगे

बहुत सही बातें कही एक अगर आप आ, मुझे एक मोमेंट दो तो जो भी लोग ने मिर्ज़ापुर को प्यार दिया है मोहब्बत दी है आप सबको मैम टीम बैठ के एक-एक को रिस्पोंड कर रहे हैं जितनी कोशिश हो सक रही है तो हमारे शीश झुके हुए हैं और आपके प्यार की कोई सीमा ना हो हमारे हाथ खुले हुए हैं और हम आपका इसी तरह मनोरंजन करते रहेंगे आखिरी दम तक थैंक यू सो मच एबिली लवली मिर्ज़ापुर एंड प्राइम वीडियो इंडिया Okay, uh -huh. he actual me true employee of <laughs> Amazon Prime. <laughs> Not an employee. I'm I'm the fan. Fan. You are employee or fan? You are actor. No, no, you're everything I'm just, I'm of Amazon Prime. I'm just Prime, fan right? of Prime and Excel Entertainment and uh, Team members I'm just, I'm actually true blue blood fan. We are also wearing blue. blue blood. Yeah, 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 right. Blood up guy, Yeah. yeah. <laughs> <laughs> okay. Uh, thank, thank, thank you for watching this interview. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.